हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P करते समय जो मिस्टेक्स हमसे हो जाती है बाइनेंस पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसकी वजह से हमारा फंड भी खतरे में आ जाता है कई बार, और हमारा अकाउंट भी फ्रीज होने का खतरा रहता है। उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको 9 दिन पहले बना के दिखाई थी, जिसमें मैंने पूछा था अगर आप और मिस्टेक्स जानना चाहते हो जो मैंने करी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, करीब 1000 से भी ज़्यादा मैंने ट्रेड करी थी, तो मैंने कहा था नीचे कॉमेंट करके बताओ, और बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो अगर आप P2P ट्रेड्स करते हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम प्लेटफॉर्म बाइनेंस को ही पकड़ लेते हैं। बाइनेंस के मुझे मतलब सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट जो है वो बाइनेंस का ही लगता है, तो बाइनेंस पर पकड़ लेते हैं। अभी क्या हुआ, मैंने कहा था कि आपको मैं 2 मिस्टेक्स बताऊंगा और 2 केसेस बताऊंगा जो मेरे साथ ही हुए लास्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से मैंने किसी को एक्स्ट्रा फंड सेंड कर दिया था। मुझे करने थे 43,000 सेंड, मैंने 44,000 कर लिए, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे करा वो यहाँ पर मैंने बताया। अब दोस्तों, दूसरी जो प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पर ये हुई थी कि मैंने एक ट्रेड ओपन करी, ये करीब 7,000 रुपये की होगी ये ट्रेड, और उसमें मुझे पैसे रिसीव करने थे। मैंने सेल करा था, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर चुका था मैं यहाँ से, बट जब बंदे ने पेमेंट करी तो पेमेंट करते टाइम वो प्रोसेसिंग में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये प्रोसेसिंग में आ गया, और उसी टाइम पे एक और ऑर्डर आया था सेम उस ऑर्डर के साथ भी हुआ, ये भी प्रोसेसिंग में हो गया। अब यहाँ पर सीन क्या हुआ, प्रोसेसिंग के बाद उसके तो पैसे कट गए और मेरे अकाउंट में पैसे पहुँचे नहीं। अब जिसके पैसे कट गए तो उसने बाइनेंस पे जो है P2P पे रिलीज़ कर दिया ऑर्डर, बटन दबा दिया कि मैंने तो पैसे सेंड कर दिए और जबकि पहुँचे नहीं थे। उसने ये स्क्रीन मुझे सेंड करा, तो मैंने उसको बोला भाई जब आपके पैसे मेरे पास पहुँचे ही नहीं है, आपने खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो ये स्क्रीनशॉट भेज के, तो फिर आप मतलब आपने क्यों बटन पे दबा दिया कि मैंने पे कर दिया है। तो फिर वो ऑर्डर अपील में डाल दिया बंदे ने। अब ऑर्डर अपील में चला गया, तो जिसने अपील पहले करी होती है तो मुझे दूसरे बंदे को रिस्पॉन्स करना होता है विद इन 1 आवर, और मैं तो मतलब ऑनलाइन उस टाइम पे ट्रेड कर लिया था। मैंने फटाफट उस अपील पे रिस्पॉन्स करा और वहाँ पर मैंने बात करी कि मेरे पास तो आए नहीं है, और मुझसे फिर बाइनेंस पे सपोर्ट में जो है वहाँ पर अपील में मांगते हैं प्रूफ दोनों साइड से, उनसे बोलते हैं कि भाई आप सेंड करो कि आपकी पैसे आ चुके हैं, और हमसे बोलते हैं कि आप सेंड करो कि आपको पैसे नहीं आए। तो मैंने तो नहीं आए थे, मैंने ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली और अपना जो है वो करके स्टेटमेंट का फ़ोटो भेज दिया। फिर उससे मांगा प्रूफ कि आप प्रूफ सेंड करो कि आपने पेमेंट कर दिया। उसके पास जो प्रूफ भेज रहा था वो था प्रोसेसिंग में थी। अच्छा, पैसे बंदे के कट चुके थे तो उसको भी कुछ नहीं बोल सकते थे, हालांकि ये बात करने से ही रिजॉल्व हो जाता मैटर, बट वो अपील में जा चुका था, ये दोनों ऑर्डर ही अपील में जा चुके थे। तो मैंने ये सब सपोर्ट में डालने के बाद मना कर दिया कि मैंने कहा भाई ये मेरे पास तो कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा आपको। तो ये बात चलती रही बहुत, और उसको मैंने बोला आप अपील कैंसिल करो, अगर जब होगा नहीं होगा तब की तब देखेंगे, आपने पे कर दिया ना, पे क्लिक करके रख दो, कल तक नहीं आता या रिफंड आ जाता तो मुझे बता देना, तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और अगर पेमेंट आ जाती है तो हम कर देंगे। तो खैर, बंदे ने अपील में डाल दी, बात करता रहा, मैंने प्रूफ सेंड कर दिया कि भाई मेरे पास तो आया नहीं, और उसने प्रूफ सेंड कर दिया कि मैंने तो भेजा है बट प्रोसेसिंग में। तो सपोर्ट पे बात चलती रही, दोनों ने बोला कि ठीक है देखते हैं बताते हैं देखते हैं बताते हैं, और दोनों की तरफ से, क्योंकि कोई मतलब मेरी तरफ से तो पक्का प्रूफ था कि मैंने भेज दिया, उसकी तरफ से उसके जो पैसे कट गए थे उसके पास वो भी प्रूफ था, प्रोसेसिंग में है ये मेरे पास प्रूफ था। तो दोस्तों, ये बात चलती रही और ऑर्डर वो अपना जगह पे रहा, उसका फंड उसके पास रहा, मेरा फंड मेरे पास। कट टू थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो ऑर्डर रिलीज़ हो गया वहाँ से, जो प्रोसेसिंग में थी वो पेमेंट पूरी हो गई, और मेरे पास 4,000 और 7,000 वो सर्वर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, और वो पैसा मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने क्या काम करा, मैंने वहाँ पर बता दिया सपोर्ट पे। तो दोस्तों, ईमानदारी आपको खुद भी रखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने सपोर्ट को बता दिया कि ऐसे ऐसे वो जो 4,000 और 7,000 का था जो है वो ऑर्डर मेरे पास आ गया और रिलीज़ कर दो। तो नॉर्मल सपोर्ट पे क्या हुआ, मैंने सपोर्ट को बोला, उन्होंने बोला कंफर्म है कि आपके पास पैसे आ गए, मैंने कहा हाँ कंफर्म है पैसे आ गए, पैसे आए, उन्होंने ऑर्डर मतलब वहाँ से अपनी तरफ से ही रिलीज़ कर दिया। मेरे पास भी ऑप्शन था, वो मुझे बाद में पता लगा, तो वो ऑप्शन हमने वहाँ से रिलीज़ करवा दिया। तो दोस्तों, ये था सिस्टम। अगर आपके पास ऐसा भी कोई सीन हो सकता है तो आपको सपोर्ट से बात करनी है, तब तक रिलीज़ नहीं करना चाहे सामने वाला कितना भी प्रेशर आपको दे, जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते। पैसे आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप रिलीज़ करो, आपने वेरिफिकेशन कर लिया, अपनी जो भी प्रूफ चाहिए वो मांग लिए सामने वाले से, उसके बाद आपको पता लग गया कि बायर जेन्युइन है, उसके बाद आपको उसको रिलीज़ करना ही चाहिए। अगर पेमेंट आ गई है तो फिर रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक केस। दोस्तों, दूसरा एक सीन मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं P2P ट्रेड कर रहा था, जो मैंने आपको 2 मिस्टेक बताई थी, ये दूसरी मिस्टेक है, ये सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस केस में क्या हुआ था, मैंने एक अमाउंट लगा रखी थी बाइनेंस पे कि इतने इतने के ऑर्डर रिसीव करूंगा, तो मेरे पास
दो ऑर्डर आ गए सेम अमाउंट के, 5,000-5,000 या मेरे ख्याल से 7,000 ऐसे का था कुछ अमाउंट, 5,000-7,000 का जो भी था वो ऑर्डर आ गए दो मेरे पास। अच्छा मैं उस टाइम पे मतलब जब मैंने नया नया स्टार्ट करा था, आप अगर मेरी एक्यूरेसी और उसमें देखोगे ना रिलीज टाइम में जाके, तो 0.59 सेकेंड्स का है मेरा और रिसीव करने का भी इतना, मतलब एक मिनट के अंदर अंदर का। तो मैं बड़ा फटाफट करता था, मुझे सीधा UPI में देखा हाँ आ गया, फटाफट ऐसे रिलीज़ कर देता था। कई बार तो बिना देखे भी रिलीज़ कर देता था, मुझे हाँ नोटिफिकेशन दिख गया, हाँ रिलीज़ कर दिया। दोस्तों सेम ऑर्डर आ गए 5,000-5,000 रुपये के। अब क्या सीन हुआ कि मुझे 5,000 की एक पेमेंट रिसीव हुई, ठीक है, और वहाँ से बंदे ने ऑर्डर पे भी कर दिया, मतलब उसने क्लिक कर दिया कि हाँ ऑर्डर पे हो गया, तो 5,000 की पेमेंट आ गई। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो ऑर्डर खोला और कोड वोड डाल के अपना रिलीज़ कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद 5,000 का जो दूसरा ऑर्डर था उसने बटन दबा दिया कि पैसे आ गए। फिर मैं रुका रहा, फिर मैंने देखा पैसे तो आए नहीं है, अभी तक मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई पैसे नहीं आए, उसने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। तब मेरा थोड़ा दिमाग घूमा, दोस्तों मैंने क्या गलती करी, जिसके पैसे नहीं आए थे उसका तो मैंने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया, और जिसके पैसे आ गए थे उसका मैंने रोक रखा था, मगर मुझे जो जिसके पैसे आ गए थे उसका भी रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि उसने तो पैसे भेज दिए, अगर वो कंप्लेंट करेगा तो बाइनेंस वैसे भी रिलीज़ करवा देगा मेरे से कैसे ना कैसे करके, तो मैंने उसका भी रिलीज़ कर दिया। मुझे रियलाइज़ हो गया विद इन 1 मिनट कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया और मैंने गलती से उसका ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है जिसने मुझे पैसे नहीं भेजे। फिर मैंने फटाफट बंदे को मैसेज करा, मैंने कहा भाई पैसे गलती से रिलीज़ कर दिया, पैसे तुमने भेजे नहीं है और ये वो, तो उसने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। फिर मैंने इतना करते करते और मैंने सपोर्ट से भी कांटेक्ट करा, फिर मैंने सपोर्ट से जब कांटेक्ट करा मैंने बताया कि मैंने गलती से रिलीज़ कर दिया, दो ऑर्डर आ गए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने उसके फ़ंड होल्ड पे लगा दिया। मगर दोस्तों वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो गई, जब तक अब बाइनेंस पे मैंने सपोर्ट पे बात करी, थोड़ा सा लेट बात करी, तब तक उस बंदे ने क्या करा, वो 5,000 रुपये जो मैंने उसको फ़ंड सेंड करा था उसने वो पैसे निकाल लिए वहाँ से, तो उसका अकाउंट तो ब्लॉक मैंने करवा दिया और तुरंत बाइनेंस जो है उसके अकाउंट में पैसे जो होते हैं वो होल्ड कर देता है। मगर वहाँ पे क्या सीन हुआ, वो पैसे निकाल चुका था, तो फिर हम मैंने बोला बाइनेंस पे बात करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मतलब क्या प्रॉब्लम है और पैसे नहीं दिए, कैसे उसका फ़ंड वगैरह क्या है, क्या करना है। तो बोला कि देखो अनफॉर्चुनेटली उसके अकाउंट में कोई फंड्स तो है नहीं, वहाँ से उसने निकाल लिए हैं, अब क्या कर सकते हैं आप। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा देखो मैं कंप्लेंट चाहूँ तो कंप्लेंट भी कर सकता हूँ, तो आप कंप्लेंट भी क्या करोगे, ना तो उसके पैसे रिसीव हुए हैं ना मैंने उसको पैसे भेजे हैं, तो कंप्लेंट का कोई पॉइंट नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी ही मिस्टेक है, 5,000 रुपये की ही सही, बट वो मैंने ही मिस्टेक करी है, मुझे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था कि पैसे आए नहीं आए। प्रो बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में मैं धड़ाधड़ रिलीज़ करता था, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा अच्छा मैंने क्या काम करा, मेरी लॉ फर्म वगैरह का थोड़ी सी हेल्प लेके मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं। फिर मैंने छोड़ ही दिया उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं ये गलती मेरी है तो मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने फिर जानबूझ के आगे कुछ कार्रवाई नहीं करी, और वहाँ से करना ये था जो प्लान था करने का कि उसको जो बाइनेंस का एक पेज है लॉ इन्फोर्समेंट करके, इनका अलग से एक पूरा बनाया हुआ बाइनेंस ने कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस पर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ से करके उसके एड्रेस वड्रेस निकाल के, और फिर या तो उसके एड्रेस पर पहुँच जाते हैं आधार कार्ड निकलवा के, या फिर उसके एड्रेस वगैरह लेके नाम लेके उसकी कंप्लेंट कर देते, उसके नाम पे FIR कर देते। बट वो सब छोटी मिस्टेक थी, छोटे कम पैसों की मिस्टेक थी, तो मैंने कहा ये मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर मैंने एक दो दिन थोड़ा सोचा उसके बारे में कि कंप्लेंट कर दूँ ना कर दूँ, फिर मैंने कहा देखो गलती मेरी है सरासर, तो फिर छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया। बट यहाँ पे सीख लेने की बात यह है कि ऑर्डर देखभाल के हमेशा ज़्यादा प्रो मत बनो, ऑर्डर को कन्फर्म कर लो, UTR नंबर मैच कर लो, नाम वाम सब मैच कर लो, टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल अगर 2 मिनट का भी रिलीज़ टाइम होगा, 3 मिनट का, 5 मिनट का भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से अच्छे से चेक करो और उसके बाद ही पेमेंट को रिलीज़ करो। तो ये दो मिस्टेक जो है मैंने खुद की थी, मेरी मतलब वो तो मेरी नहीं थी जो पेमेंट प्रोसेस में थी, बट दोस्तों पेमेंट प्रोसेस में है आपको वो स्क्रीनशॉट भेज भी देगा कि मेरे तो पैसे कट गए, आपको रिलीज़ नहीं करना है। हो सकता है आप रिलीज़ कर दो और वो पैसे आपके पास कभी आए ना, वो रिफंड हो के उसी के पैसे आ जाएँ, तो आपके तो दोनों ऑर्डर मर जाएंगे, तो आपको रिलीज़ नहीं करना जब तक बैंक में पैसे ना। दूसरी बात, जब तक पैसे रिलीज़ मत करो, जब तक पूरा वेरीफाई ना कर लो, मेरी तरह प्रो बनने के चक्कर में आपका नुकसान होगा। 5,000 का हुआ, हो सकता है 50,000 या 5 लाख का भी हो सकता था। अब ट्रेड मैं बड़ी बड़ी करता हूँ, तो अब 5,000 से ज़्यादा की भी ट्रेड होती है, अगर अब होगा यही सेम काम तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब ये एक बोनस जो है दे रहा हूँ मैं आपको, बोनस मिस्टेक। ये मिस्टेक किसी और ने करी है, हमारे ही कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये ऑर्डर पे हो चुका है और भाई साहब ने कैंसिल भी कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिस्टेक क्या करी, जब इन्होंने मतलब इन्होंने बाय करा
उसको ऑर्डर को, और इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने यहाँ से ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया। अब जब कैंसिल, मतलब इनको कैंसिल नहीं करना चाहिए था, इन्होंने सबसे बड़ी जो मिस्टेक करी है वो कैंसिल करके कर दी है। अब सामने वाले बंदे से इन्होंने बोला कि भाई मेरे पैसे दे दो, वो इनको साफ मुंह पे बोल रहा है कि जा जो करना है कर ले, मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे। अब सपोर्ट से बात करने की जो बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंसिलेशन USDT नहीं दे रहा है, एक तो वो USDT नहीं दे रहा और उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सपोर्ट से बात करना भी एक आर्ट है, एक कला है। अब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो उतने एजुकेटेड नहीं है या फिर ऐसे थोड़े रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, वो बाइनेंस पर ट्रेड करने से पहले सपोर्ट से बात करना सीख लें। अगर आपसे नहीं होती, आप अपने किसी छोटे भाई बड़े भाई जो भी पढ़ा लिखा है मोहल्ले में उससे बोलिए। उनसे भी नहीं होता दोस्तों, हम बैठे हुए हैं ना आपके लिए, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा बाइनेंस का एक्सेस लेके मैं बात कर दूंगा, सपोर्ट से क्या दिक्कत है, सपोर्ट से बात ही तो करनी है। मैंने इतनी अपील करी है अपनी लाइफ में, 1000 ट्रेड्स मैंने बताया करी है आपको, 1000 ट्रेड में से मैंने कई बार अपील करी हो दोस्तों, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अपील रिजेक्ट हो गई हो, सारी मेरे फेवर में आई, क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट से किस तरीके से बात करें। तो उस तरीके से आपको बात करना पहले सीख लो, क्योंकि सपोर्ट बहुत तगड़ा है बाइनेंस का, अनटिल अनलेस आप ऐसा ब्लंडर ना करो जैसा मैंने करा कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, बंदा भाग गया, तो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट भी क्या करेगा, पकड़ के थोड़ी लाएगा। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या करा, उसने पैसे भी नहीं दिए, इन्होंने पैसे भी दे दिए उसको, ऊपर से इन्होंने ऑर्डर भी खुद ही कैंसिल कर दिया। तो ये टाइप की चीज़ें नहीं करनी, और ऐसा अगर हो जाए तो जैसे ही आपको पता लगे, द मोमेंट यू रियलाइज, फटाफट सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करो। सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना सीख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसी गलती हो भी जाए, फिर भी कोई ना मिले सॉल्यूशन, तो फिर उसके लिए हम बैठे। तो बस यही 3 ब्लंडर आपको, मिस्टेक मैं आपको बताना चाहता था। P2P करो, और मैं चाहता हूँ हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ कि P2P किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो आप, एक बहुत ही सेफ और स्मूदिंग सूदिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे जो भी लोग P2P करते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो अकाउंट फ्रीज वगैरह की चीज़ें चल रही हैं या फिर जो और भी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे स्कैमर्स हैं बहुत सारे बैठे, तो उस टाइप की चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे। तो मेरी जो वीडियोस बनाने का पर्पस वो है कि आप एटलीस्ट मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनके साथ तो कुछ ना हो, उनके साथ तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, इसीलिए ये वीडियो है। बस यही था आज की वीडियो में बताना, और इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से भी सीखने को मिलती हैं, आपके कॉमेंट्स से सीखने को मिलती हैं। और मेरे साथ P2P वाला जो ग्रुप हमने बनाया था, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था, वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, काफ़ी सारे लोग उसमें से जुड़ रहे हैं, बहुत बाहर से भी हैं, इंडिया से भी हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही तरीके से काम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जल्दी, वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से ट्रेड हो रही है, और अभी तक का क्या अपडेट है, वो आपको मैं जल्दी से अपडेट कर दूँगा। आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है B2B में, क्या कुछ चल रहा है, और मिस्टेक्स आप जानना चाहते हैं, और भी जो सावधानियाँ आपको बरतनी है, उसके लिए आपको कॉमेंट करना है। जैसे कि इस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने करा था, 21 लाइक हैं इस पर, मगर 25 से भी ज़्यादा कमेंट हैं, तो अच्छा लगा इतने सारा रिस्पांस मुझे आया। इस वीडियो के पे भी आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। गुड बाय, और सेफ ट्रेडिंग कीजिए, और एजुकेट कीजिए खुद को, तो आपके साथ ना तो स्कैम होगा कभी, ना ही आपके साथ ये P2P के ब्लंडर्स कभी होंगे। खुद को एजुकेट कीजिए, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को एजुकेट कीजिए। गुड बाय।